नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कुछ महीने पुरानी कांग्रेस की सुक्खू सरकार में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के अंदर आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। राज्य में सत्ता में लौटने के बाद मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज चल रहे दो वरिष्ठ विधायकों ने सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार को लेकर पोस्ट करते हुए तंज कसा है। विधायकों के पोस्ट को सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार ने अनुशासनहीनता करार दिया है। इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार में 3 कैबिनेट के पद खाली हैं। साथ ही कई नियमों और बोर्डों के अध्यक्ष, चेयरमैन समेत कई अन्य पदों पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसी भी विधायक की नियुक्ति अब तक नहीं की है। हालांकि इन पोस्ट को लेकर सरकार से जुड़े हुए लोग नाराज हैं और कांग्रेस आलाकमान की ओर से मामले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ विधायकों की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपनी सरकार को लेकर कटाक्ष करने और मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर नाराजगी दिखाने से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बीते दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने महाभारत का उदाहरण देकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था। जबकि एक अन्य विधायक सुधीर शर्मा ने भी इसी पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए एक दोहा लिख दिया था। शुरुआत सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने सोशल मीडिया के जरिए की थी और लिखा था, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं, जो विवादों में उलझ जाते हैं वो अक्सर दिलों से उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखिए, पांडवों ने कौरवों से महज 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसी एक जिद ने महाभारत कर दी। सुकून भरी जिंदगी के लिए विवादों से दूरी है बेहद जरूरी। दरअसल राजेंद्र राणा ने इस पोस्ट के जरिए कैबिनेट पद नहीं मिलने को लेकर अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश की थी। इस फेसबुक पोस्ट में आग में घी डालने का काम किया एक और वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा के जवाब ने। सुधीर शर्मा ने लिखा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। सुधीर शर्मा की ओर से किए गए कॉमेंट के बाद रिप्लाई में करीब 200 कॉमेंट्स तो आए सुधीर शर्मा के पक्ष में आए थे, तो वहीं कांग्रेस विधायकों के समर्थकों और जनता ने सुक्खू सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी जमकर निकाली। पूरे मामले को लेकर सुक्खू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार ने दोनों नेताओं के बयानों को अनुशासनहीनता करार दिया है और पार्टी आलाकमान से इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। वहीं मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सीएम सुक्खू सभी को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं और पार्टी अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारियों को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। पार्टी और सरकार में बराबर का तालमेल है, यही वजह है कि नगर निगम चुनाव भी कांग्रेस ने जीते हैं, लेकिन अब पार्टी के कई नेताओं की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए मंत्री चंद्र कुमार ने अपने कमेंट में दोहे से ही जवाब दिया और कहा, वक्त बहुत बलवान नहीं, बलवान इंसान, हीरा लुटिया कुटिया, वही अर्जुन वही बाण। उन्होंने कहा कि वक्त सभी का आता है कि किसने सोचा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सभी को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के दिल में कोई बात है तो पार्टी और संगठन के स्तर पर उस बात को उठाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी अनुशासनहीनता की तरह है और इस पर कांग्रेस आलाकमान संज्ञान जरूर लेगा। सिंह सुक्खू जी हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं, सभी को कॉन्फिडेंस में लेके काम कर रहे हैं और जितनी रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को राणा साहब को देते हैं, हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी की, उसकी रहनुमाई में कितने चुनाव हुए, हमने जीते। अगर कंट्रोवर्सी होती तो हम चुनाव जीते, आप देखो हम असेंबली जीते, हम जो है वो कारपोरेशन जीते, हम उसके बाद जितने वाई इलेक्शन हुए उनको हम जीते, उनका वाई इलेक्शन हुआ उसको हम जीते। तो ये कह देना कि संगठन सरकार में, सरकार तो अब बनी है, संगठन में इतना तालमेल था तभी हम इतनी सीटें जीत के आए। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो इसमें सभी का मत होता है, यूनैनिमसली फैसला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब कई की महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती हैं।